स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो लोक सेवा आयोग ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना दी है उत्तराखंड एसआई के एग्ज़ाम को लेकर, सिलेबस को लेकर। हालांकि पहले भी काफ़ी यहां पर हो हल्ला हुआ था, बाकी सिलेबस वही रहा, एग्ज़ाम के पैटर्न्स को लेकर भी बात हुई, लेकिन आज महत्वपूर्ण सूचना सभी अभ्यर्थियों के लिए है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचित किया जाता है कि उप निरीक्षक, आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स वगैरह दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने सूचना जो की है कि जो रिटर्न है, रिटर्न से संबंधित यहाँ पर ये सूचना दी है। इन पदों के लिए आप देख सकते हैं जो है 300 अंकों की निम्नलिखित संशोधित परीक्षा योजना वर्ष प्रक्रिया से की जाएगी, यानी कि जो रिटर्न होगा उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया। वो चेंज क्या है, जो सबसे पहले नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सामान्य अध्ययन तथा सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी हाईस्कूल स्तर का, सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड, उसके अलावा सामान्य बुद्धि एवं तार्किक शक्ति, उसके सामान्य जागरूकता, सामान्य गणित। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो है सामान्य हिंदी जो 100 नंबर का था, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे का पोर्शन है 200 अंकों का, वो देख सकते हैं आप 50 सामान्य बुद्धि, सामान्य जागरूकता 75 और 75 गणित, यानी कि कुल मिला के 300 अंकों का 3 घंटे का। पहले क्या था, पहले ये अलग अलग किया गया था, 3 और 2 में था, अब इसको जो है एक साथ कर दिया गया है, यानी कि 3 घंटे के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट जो है प्रत्येक एक अंक का होगा। उक्त प्रश्न की प्रक्रिया ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई है, यानी कि जो है निगेटिव मार्किंग होगी, और 1/4 यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब अधिक सिलेबस के लिए अब चलते हैं आयोग की वेबसाइट पर और उसको जो है सिलेबस देख लेते हैं। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं, ये देखिए 3 घंटे का, जहाँ पर आपको टोटल सारे क्वेश्चंस अब एक साथ ही सॉल्व करने पड़ेंगे 3 घंटे के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है सिलेबस है, ये देख सकते हैं आप, ये सिलेबस है सामान्य हिंदी हाईस्कूल स्तर का 100 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड के आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चंस, उसके अलावा सामान्य जागरूकता के 75 नंबर्स, और आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में आयोग ने जारी कर दिया है। गाइस आप देख सकते हैं ये विज्ञापन है जो कि लोक सेवा आयोग की ओर से जारी हुआ था 31 जनवरी 2024 को। तो इसमें आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए देखेंगे तो यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं है जो आयोग ने सिलेबस जारी हुआ था, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, 2 घंटे अलग, 3 घंटे अलग, यानी कि जो प्रश्न पत्र थे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अलग अलग यहाँ पर प्रश्न पत्र थे, जहाँ पर आपको 5 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अब यही चीज़ आपको 3 घंटे में करनी पड़ेगी। तो बाकी इस परिवर्तन पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।